हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी। हम लोगों का चल रहा था फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर टू पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और हम लोगों ने पिछले क्लास यानी कि पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियो में पढ़ते हैं। ये बिहार एसएससी के लिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से कौन में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवहन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन ए प्रकाशीय किरण, ऑप्शन बी प्रबग्नि किरण, ऑप्शन सी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी कास्मिक किरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 24, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे प्रवर्तित करते हैं, ऑप्शन बी प्रकाश वेधक नहीं होने देते हैं, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, ऑप्शन डी अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए हिमीकरण, ऑप्शन बी पिघलना, ऑप्शन सी उद्रपातन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्रपातन। क्वेश्चन नंबर 28, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? ऑप्शन ए गलनांक को घटाना, ऑप्शन बी तापमान को कम करना, ऑप्शन सी हिमालयन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन डी एक समान तापमान बनाए रखना और गलनांक घटाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा धारिता अधिक है? इसका ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी स्वर्ण का टुकड़ा, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का, ऊष्मा धारिता अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत अधिक हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर का पर निर्भर नहीं करता हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए। हीट एंड टेम्परेचर से भी जितने भी प्रश्न रिलेटेड प्रश्न बनते थे हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कल से हम लोग
पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।